लॉजिक और हो सकता है इस पॉल का, वो ये है कि अगर आप देखें ये जो गिरावट थी पूरी, आई मीन अप्रैल मई जून जुलाई से, मतलब जब वॉर के मिड से लेके अब तक, निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स मतलब वर्ल्ड के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले इंडस्ट्रीज में थे। तो हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है वो हम शेड कर रहे हैं, आई थिंक एक बड़ा कारण हो सकता है। अब वो नहीं अभी भी स्टिल नहीं नहीं ये कोविड वरीज के बीच में, इन कोविड वरीज के बीच में वो एक्स्ट्रा प्रीमियम शेड करें। अभी भी हर्षदा आप देखिए क्या प्राइस डैमेज हुआ है, कुछ भी नहीं है। अभी भी आप देखिए तो आपका निफ्टी बैंक हार्डली 41,500 तक रिट्रेस हुआ है, तो प्राइस डैमेज हुआ है। लेकिन मुझे मैं इनफैक्ट जब परसों देखा, मैं जब वो डेटा देखा था ना, मैंने कहा वजह क्या है यार कि मात्र 5 सेशन में 6 सेशन में FIs आप अपने आप को 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव से 13,000 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव पे लिया है, तो वो अब थोड़ा समझ में आ रहा है। तो शायद वही एक्स्ट्रा प्रीमियम जो था वो थोड़ा शेड हो रहा है यहाँ पे। ये है एग्जैक्टली अगर देखें वो फिगर्स आपकी स्क्रीन पे, ये देखिए ये मात्र 20 सेशंस में कैसे, बस मैं ये कह रहा हूँ आप वो देखिए जब लास्ट जुलाई अगस्त में जब प्राइस डैमेज हुआ था तो ये नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ तक चले जाते हैं, 70,000-80,000-90,000 कॉन्ट्रैक्ट तक ये नेगेटिव चले जाते हैं। तो राजेश जी ये तर्क सही लगता है आपको कि जो 6 महीने में हमने एक्स्ट्रा प्रीमियम कमांड किया था वो थोड़ा बहुत शेड हो रहा है? बिल्कुल हो सकता है। एक तो वो कारण भी है कि हमने बहुत अच्छी तेजी देखी है और करेक्शन का एक बहाना खोजा जा रहा था, अब वो कोविड एक ट्रिगर हो गया। दूसरे ये भी हो सकता है कि इस वक्त अगर आप देखो तो डोमेस्टिक ट्रिगर्स कुछ थे ही नहीं, फिर वो चाहे अपनी RBI की पॉलिसी हो चुकी है, इकोनॉमिक आंकड़े आ चुके हैं, अब लोगों को इंतजार है 10 तारीख को जब इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे उसके बाद रिजल्ट सीजन चालू होगा। इस वक्त लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल क्यूज देखने के सिवाय और कोई डायरेक्शन है ही नहीं, और ग्लोबल क्यूज में अगर चाइना की खबरें खराब आ रही है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रही हैं भारतीय बाजारों में। मैं दोबारा से कहना चाहूंगा कि जो मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेशक हैं उनके लिए एक बहुत राइट अपॉर्चुनिटी है।